Good afternoon, class. Today we continue with the preparation method that is used for preparing the ointments. The first, mainly two methods are used for preparing ointments, that is trituration method or incorporation method. Second is fusion method. ठीक है, mainly दो methods use किए जाते हैं ointment को prepare करने के लिए, trituration and fusion method. जो other two methods mention किए हैं, ointment by chemical reaction and ointment by emulsification, ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, मेनली टू मैथड से यूज़ किए जाते हैं जो दो मेंशन किए हैं, टैचुरेशन एंड फ्यूजन मैथड. ओके, सो स्टार्ट विथ टैचुरेशन मैथड. इन दिस मैथड मेनली इट इज़ यूज फॉर द ड्रग दैट इज इंसॉल्युबल इन द बेस. पूरी तरीके से इंसॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है, जो भी ड्रग बेस में डिजॉल्व करनी होती है या बेस में मिक्स करनी होती है, तो पहले जो ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रॉपर साइज रिडक्शन किया जाता है. ठीक है, प्रॉपर साइज रिडक्शन करने का रीज़न बस एक ही होता है कि जितना महीन पाउडर होंगे, जितना पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म साइज का होगा, स्मॉल पार्टिकल होगा वो उतने अच्छे से बेस में जाके डिस्पर्स हो पाएगा. ठीक है, सो फॉर दिस लेविगेशन मैथड इज परफॉर्म. इन लेविगेशन मैथड फर्स्ट जो ड्रग पार्टिकल है उनके साथ थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड किया जाता है एंड बाय यूजिंग एंड मिल साइज रिडक्शन ऑफ द ड्रग इज परफॉर्म. ठीक है, आफ्टर लेविगेशन स्टेप देन जो आपकी ड्रग यूनिफॉर्मली साइज्ड हो चुकी है उसको मिक्स किया जाएगा विथ बेस. ठीक है, तो इन टाइचुरेशन बेस द बेसिस मेनली यूज आर वाइट सॉफ्ट पैराफिन, वूल फैट एक्सेट्रा. ओके, सो दीज आर द बेसिस दैट आर मिक्स विद द ड्रग. देन आफ्टर दैट बाय द हेल्प ऑफ स्पैचुला मिक्सिंग ऑफ बेस विद ड्रग इज परफॉर्म. दिस मैथड इज कॉल्ड और दिस स्टेप इज कॉल्ड एज स्पैचुलेशन और टाइचुरेशन. ठीक है, आफ्टर प्रॉपर मिक्सिंग ड्रग एंड बेस the it is converted into the final product and for the proper size reduction again homogenization method is performed. For homogenization process triple roller mill is used. ठीक है, तो triple roller mill को use करके क्या करते हैं, जो भी आपने powder drug and base को mix किया था उनमें जितने भी पार्टिकल हैं सबका एक तरीके का पार्टिकल साइज हो, इसके लिए होमोजेनाइजेशन स्टेप परफॉर्म किया जाता है. एंड फॉर होमोजेनाइजेशन स्टेप ट्रिपल रोलर मिल इज यूज. ठीक है, तो आफ्टर होमोजेनाइजेशन जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसकी फिलिंग की जाती है इन द सुटेबल कंटेनर. ठीक है, ये आपका टैचुरेशन मेथड है. ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स को पेस्ट किया, दिख रही है दोनों पिक्चर्स बेटा, पिक्चर दिखाई पड़ रही है. ठीक है, तो जो पहली वाली पिक्चर है जिसमें ग्लास स्लैब ली गई है उसमें क्या किया जा रहा है, लेविगेशन मेथड को परफॉर्म किया जा रहा है. ठीक है, तो लेविगेशन मेथड को परफॉर्म करने के लिए ड्रग को सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जा रहा है. जो ड्रग को सॉल्वेंट के साथ ऐड किया जा रहा है, ड्रग सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है. ठीक है, लेकिन साइज रिडक्शन परफॉर्म करने के लिए ड्रग को थोड़ा सा मॉइस्ट किया गया है by using solvent. ठीक है, इस method को हम levigation method करते हैं कहते हैं. ठीक है, second picture में क्या दिखाया गया है, एक spatula use किया गया है. by the help of this spatula base is mixed with the drug particle. ठीक है, इस तरीके से जो भी drug particles होते हैं जिनका size reduction perform हो चुका होता है by using levigation method, then by the help of spatula base and drug particle को एक दूसरे के साथ लिटिल लिटिल क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है. ठीक है, जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है देन उनका होमोजेनाइजेशन स्टेप करते हैं फॉर द प्रॉपर और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज. ठीक है, जब होमोजेनाइजेशन स्टेप हो जाता है देन फिलिंग करते हैं. ठीक है, ये आपका टैचुरेशन मेथड है. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया है. ठीक है, सेकेंड इज द फ्यूजन मैथड. इन केस ऑफ फ्यूजन मैथड बेस दे आर यूज बेस यूज आर बी वैक, सिटाइल एल्कोहल, स्टराइल एल्कोहल, स्टेरिक एसिड. ठीक है, मेनली दीज बेसिस आर यूज इन केस ऑफ फ्यूजन मैथड.
यूजर मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं पहले उन्हें मेल्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग ऑर्डर होता है इसमें क्या करते हैं, जो इंग्रेडिएंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसे हम पहले लेंगे, फिर उसके ग्रेजुअली जितना जितना कम होता जाएगा, सबसे ज़्यादा वाले इंग्रेडिएंट का जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसे हम सबसे पहले हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे, उसके बाद उससे जिसका कम होगा फिर हम उसे मेल्ट करेंगे। इस ऑर्डर में हम सारे इंग्रेडिएंट की मेल्टिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जब सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएंगे उनको कंबाइन करेंगे एंड उनको मिक्स करेंगे बाय यूजिंग ग्लास रॉड, ठीक है। तो जो उसकी कंटिन्यूस स्टेरिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे सारे जितने भी कंपोनेंट हैं उनका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और उनकी कूलिंग प्रोसेस कंटिन्यू होगी, जो जो मेल्टेड जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा सॉफ्ट मास में, ठीक है। तो अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पूरा टोटल जो मेल्टेड सॉल्यूशन है और मिक्सचर है जब उसका टेम्परेचर अराउंड 40 आ जाता है, देन उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट मास में, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट मास बन गया है ये इसका अगेन होमोजेनाइजेशन परफॉर्म किया जाएगा फॉर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। आफ्टर होमोजेनाइजेशन दे आर डिस्पेंस इनटू द सुटेबल कंटेनर, ठीक है। दोनों मेथड्स क्लियर हो गए हैं? यस मैम। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है ऑइंटमेंट प्रिपरेशन बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मेनली जितने भी ऑइंटमेंट अभी तक बनाए जाते हैं मार्केट में या इंडस्ट्री में, मेनली टैचुरेशन मेथड एंड फ्यूजन मेथड से यूज़ किए जाते हैं। बहुत कम ऐसी ड्रग्स हैं जिनके लिए केमिकल रिएक्शन या अदर मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर आयोडीन को यूज़ किया बनाया जा रहा है बाई यूजिंग केमिकल रिएक्शन, उसमें मेनली जो ड्रग ली जाती है वो है आपकी आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन के केस में अगर आप आयोडीन लेके अगर कोई ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो दो तरीके से ऑइंटमेंट बनता है। एक आपका बनता है जिसको यूज़ करने पे स्किन पे स्टेन आता है, और सेकंड होता है अगर आप उसे स्किन पे अप्लाई करोगे तो स्टेन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एन ऑइंटमेंट कंटेनिंग फ्री आयोडीन, ये अगर कोई भी ऐसा ऑइंटमेंट है जिसमें फ्री आयोडीन प्रेजेंट है तो जहाँ पे भी आप स्किन पे अप्लाई करेंगे फ्री आयोडीन के होने की वजह से स्किन के ऊपर स्टेनिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी डोजेस फॉर्म में आयोडीन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अपना कलर स्किन को प्रोवाइड करेगा या दे देगा, जिसकी वजह से स्टेनिंग की प्रॉब्लम आती है if there is a presence of free iodine in any doses form, ठीक है। तो जो first point यहाँ पे discuss किया है, the ointment that contain free iodine is slightly soluble in fat and oils and it is readily soluble in the concentrated solution of potassium iodide, ठीक है। तो जो iodine होती है उसकी water solubility बहुत कम होती है, तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए एक हम सॉल्युबिलिटी इन्हेंसिंग एजेंट डालते हैं जिसे हम कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो बाय यूजिंग पोटेशियम आयोडाइड हम आयोडीन की वाटर सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करते हैं, क्योंकि जब आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के कॉन्टेक्ट में आता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं पॉली आयोडाइड, ठीक है। तो ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, इस रिएक्शन की वजह से एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो वाटर सॉल्युबिलिटी आयोडीन की वाटर सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो मेनली बाय केमिकल रिएक्शन जो ऑइंटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं मेनली बाय यूजिंग आयोडीन, वो आपका स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट है। ये जो ऑइंटमेंट है वो मेनली यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिंग वॉर्म इन केस ऑफ कैटल, ठीक है। तो जब भी कैटल के रिंग वॉर्म को ट्रीट करने के लिए इस आयोडीन ऑइंटमेंट को यूज किया जाता है, तो जहाँ पे स्किन पे इसको लगाया जाता है ये स्टेन प्रोड्यूस करता है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयोडीन, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके।
प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन किया है. फर्स्ट क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को डिसॉल्व करते हैं इन वाटर में, देन आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. उसके बाद जब ये प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाता है, कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो जाता है पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन के बीच में, तो इस सॉल्यूशन को एक साइड रख देते हैं. ये जो सॉल्यूशन है अब उसे आप ऐड करते हैं बेस में. ठीक है, मेनली जो बेसिस यूज किए जाते हैं वो आपके एड्सॉर्प्शन बेसिस होते हैं. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है. ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे पहले पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन की रिएक्शन करते हैं. रिएक्शन करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है अब उसे बेस में आप ऐड करते हो. तो बेस में ऐड करने से पहले जो बेस आप यूज करते हैं उन्हें पहले क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे. तो मेनली जो बेसिस यूज किए जाते हैं वूल फैट एंड येलो सॉफ्ट पैराफिन, उनको पहले मेल्ट किया जाता है. मेल्ट करने के बाद फिर उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे. ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे और उसकी कंटिन्यूस स्टेरिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा कूलिंग होती जाएगी, यूनिफॉर्म मास में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फाइनली जब रूम टेम्परेचर में पहुंच जाएगा तो ऑइंटमेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय केमिकल रिएक्शन आयोडीन को पहले रिएक्ट करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ. जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं बेस के साथ. ठीक है, बेस के साथ मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट निकल के आता है वो आपका ऑइंटमेंट होता है जो कंटेन किया रहता है फ्री आयोडीन. ठीक है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयोडीन स्टेन प्रोड्यूस होता है स्किन के ऊपर. ठीक है, सेकेंड है ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन, मतलब ऐसा ऑइंटमेंट जिसमें आयोडीन फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, उसे किसी के साथ बाइंड, वो हम जो आयोडीन है वो किसी ग्रुप के साथ बाइंडिंग स्टेट में प्रेजेंट है. ठीक है, तो मेनली जो फिक्स्ड ऑयल एंड मेनी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब आयोडीन. मेनली जो आयोडीन होता है ये जो आपके अनसेचुरेटेड ऑयल्स होते हैं इनमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये जो आयोडीन होता है इनके डबल बॉन्ड के साथ जाके इनकी बॉन्डिंग हो जाती है. ठीक है, तो क्या होता है, या इस बॉन्डिंग की वजह से फ्री आयोडीन अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, तो जब फ्री आयोडीन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेनिंग प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है, तो मेनली इस टाइप के आयोडीन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो आयोडीन है उसको फाइनली पाउडर किया जाएगा बाय यूजिंग द ग्लास मोर्टार. उसके बाद जो आयोडीन है उसकी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी को जो ऑयल है फिक्स्ड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल उसमें ऐड किया जाएगा. ठीक है, ऐड करने के बाद उसकी स्टेरिंग की जाएगी. अब क्या किया जाएगा, जो ऑयल है उसे हीट किया जाएगा ऑन वाटर बाथ एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड विथ कंटिन्यूस स्टेरिंग. ठीक है, जैसे जैसे हीटिंग कंटिन्यू रहेगी जो अंदर के सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका कलर भी चेंज होता जाएगा. ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जब उसका कलर ग्रीनिश ब्लैक कलर का हो जाएगा, अब ये जो आपका ऑयल एंड आयोडीन कंटेनिंग जो मिक्सचर है अब उसे आप क्या करोगे, बेस में ऐड करोगे. ठीक है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो बेस यूज किया है सॉफ्ट पैराफिन, मेनली एब्जॉर्प्शन बेसिस यूज किए जाते हैं, जो बेस है उसे आप मेल्ट करोगे. मेल्ट करने के बाद जो आयोडीन एंड ऑयल कंटेनिंग मिक्सचर है उसको उसके साथ बेस के साथ ऐड करोगे विद कंटिन्यूस स्टेरिंग. ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी मिक्सिंग होती जाएगी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, अगेन जो आपका मास है वो बनता जाएगा और फाइनली आपका ऑइंटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, और जो रिजल्टिंग ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा उसके लिए जो कंटेनर मेनली यूज किए जाते हैं दे आर वाइट माउथ एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर्स होने चाहिए. ठीक है, एंड इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस. ठीक, क्लियर हुआ बेटा? प्रोसीजर फिर से बता दीजिए. क्या बेटा, प्रोसीजर देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे फ्री जो इसके पहले वाला जो स्टेप था उसमें हम केमिकल रिएक्शन कर रहे थे किसके साथ, आयोडीन को रिएक्ट कर रहे थे पोटेशियम आयोडाइड के साथ. ठीक है, लेकिन जब पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन की रिएक्शन हो रही थी तो कॉम्प्लेक्स बन रहा था, लेकिन वहां पे आयोडीन, कुछ ऐसे आयोडीन मॉलिक्यूल्स थे जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट थे. ठीक है, लेकिन अगर कंबाइंड आयोडीन कंटेनिंग ऑइंटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें क्या करते हैं,
जो आयोडीन है ठीक है उसको बाई यूजिंग ग्लास या ग्लास मोर्टार या पैसे मोर्टार को यूज करके पहले क्या करोगे, पाउडर करोगे। पाउडर करने के बाद उसमें आप ऑयल यूज करेंगे ठीक है। तो मेनली जो ऑयल ऐड किए जाते हैं वो मेनली आपके फिक्स्ड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल होते हैं। अगर आप वेजिटेबल ऑयल या फिक्स्ड ऑयल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ठीक है। तो जब ऑयल एंड आयोडीन के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जो आयोडीन के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो डबल बॉन्ड से जाके बाइंड हो जाते हैं ठीक है। और इस बाइंडिंग की वजह से कोई भी फ्री आयोडीन अवेलेबल नहीं होता है ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर क्या करते हैं, जो आप प्रॉपर फिर क्या करते हैं, ये जो ऑयल है उसको आप हीट करते हो, हीट करते हैं एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाय यूजिंग वाटर बाथ ठीक है। तो जब आप किसी भी ऑयल की हीटिंग कर रहे हैं और उस ऑयल में आपने आयोडीन को ऐड किया है तो जैसे जैसे हीटिंग प्रोसेस कैरीड आउट होगा काफ़ी घंटे के लिए उनके बीच में रिएक्शन भी होगी ठीक है। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको सफिशियंट टाइम चाहिए ठीक है। तो बाय यूजिंग टाइम एंड टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, जो ऑयल में प्रेजेंट डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक किया जा रहा है। एंड जब ब्रेक होगा तो वहाँ पे क्या ऐड होंगे, आयोडीन के मॉलिक्यूल ठीक है। तो जैसे जैसे आयोडीन ऑयल के ग्रुप के साथ ऐड होता जाएगा जो कलर है वो भी सॉल्यूशन का चेंज होता जाएगा ठीक है। तो जब उसका कलर ग्रीनिश ब्लैक कलर का हो जाएगा तब उसकी हीटिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा ठीक है। यहाँ पे आपका ऑयल एक जगह रख दोगे। सेकंड क्या करोगे, इसी के साथ जो आप बेस यूज़ कर रहे हैं, मेनली एब्जॉर्प्शन बेसिस यूज़ करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन बेस को तो आप ऐसे तो नहीं उसमें किसी भी लिक्विड को या किसी भी मिक्सचर को ऐड नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे, बेस को पहले मेल्ट करेंगे ठीक है। मेल्ट करने पे क्या होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का हो जाता है। तो अब आप उसमें अगर ऑयल कंटेनिंग मिक्सचर को ऐड करोगे बेस के साथ, फिर उसकी मिक्सिंग करते रहोगे तो जैसे जैसे जो बेस है उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वो अगेन सॉलिडिफाई होता जाएगा ठीक है। तो जब पूरी तरीके से दोनों के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो आपका रिजल्टिंग ऑइंटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा और इसे डिस्पेंस करने के लिए वाइट माउथेड या एम्बर्ड कलर्ड बॉटल्स को यूज किया जाता है ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए नेक्स्ट मेथड है ऑइंटमेंट प्रिपेयर्ड बाय इमल्सिफिकेशन मेथड ठीक है। तो ऑइंटमेंट अगर इमल्सिफिकेशन मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है तो मेनली इमल्सिफाइंग एजेंट्स को यूज किया जाता है ठीक है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन ठीक है। तो अगर ऑइंटमेंट बाय इमल्सिफिकेशन मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इमल्शन, किस टाइप का इमल्शन आप यूज कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर सिलेक्ट ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन सिटाइल अल्कोहल इज यूज्ड विथ ट्राई एथेनॉल एमीन स्टेरेट सोप ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज किया जा रहा है अगर आपका इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप है ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट को हम क्यों यूज करते हैं, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कि जो भी इमल्शन आप प्रिपेयर कर रहे हो ड्यूरिंग स्टोरेज उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट ना हो, मेंटेन रहे उसकी स्टेबिलिटी, इसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज किया जाता है ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई ऑइंटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें जो इमल्शन है वो ऑयल एंड वाटर टाइप है तो उसके लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है वो है सिटाइल अल्कोहल एंड ट्राई एथेनॉल एमीन स्टेरेट सोप ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका ऑइंटमेंट है जिसमें आपने वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन यूज कर रहे हैं देन बी वैक्स एंड डाई वैलेंट केटाइन आयन इज यूज ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो दोनों टाइप के इमल्शन में आप यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरिल मोनोस्टेरेट, ग्लिसरिल मोनोओलिएट, ये जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट हैं ये आपके नॉन आयोनिक इमल्सिफायर्स होते हैं एंड इट कैन बी यूज फॉर बोथ टाइप ऑफ इमल्शन ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है, आप लोगों ने क्रीम बनाई है ना, पिछले साल आप सब लोगों ने क्रीम्स बनाई थी, कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम।
यार नहीं आ रहा है, सेम वही मेथड यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने कोल क्रीम बनाई थी, वेनिशिंग क्रीम बनाई थी, सेम मेथड और प्रोसीजर यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट बाय इमल्सिफिकेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं पहले आप उसको एक जगह रख लेते हो, एंड देन क्या करते हैं, फिर चेक किया जाता है कौन से इंग्रेडिएंट आपके एक्वस फेस के हैं, कौन से इंग्रेडिएंट आपके ऑयली फेस के हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, जब आप पूरे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन दी ऑयली फेस एंड दी एक्वस फेस, फिर उनकी हीटिंग की जाती है, ठीक है। जितने भी आपके ऑयली फेस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बाय यूजिंग वाटर बाथ एट द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री उन्हें मेल्ट किया जाता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली जो एक्वस फेस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको डिसॉल्व किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, और जब आपके ऑयली फेस के इंग्रेडिएंट पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं, जो एक्वस फेस के इंग्रेडिएंट हैं उसको ऐड किया जाता है ऑयली फेस के इंग्रेडिएंट के मिक्सचर में। क्लियर हुआ बेटा, कुछ ध्यान आया? ठीक है, तो जब आप जैसे ही जो एक्वस फेस के इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे ऑयली फेस के इंग्रेडिएंट में विद कंटिन्यूस स्टेरिंग, तो जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा, कूलिंग होती जाएगी, उस पर्टिकुलर मिक्सचर की कंसिस्टेंसी भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज होती जाएगी एंड डिपेंडिंग अपॉन दी जो आप स्टेरिंग स्पीड है, जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाएगी एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ऑइंटमेंट में, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब एक्वस फेस को ये ऑयली फेस में ऐड करते हैं दोनों फेजेस के टेम्परेचर सेम होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ऑइंटमेंट की कंसिस्टेंसी गड़बड़ हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन नहीं बनेगी सही से, ठीक है। यस मैम। क्लियर हुआ बेटा, ध्यान आया? यस मैम, यस मैम। चलिए, सो सेम थिंग क्रीम के केस में भी यही होता है। तो क्रीम्स आर प्रिपेयर्ड बाय द इमल्सिफिकेशन मेथड, सेम प्रोसीजर यूज किया जाता है एंड सेम टाइप के जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं उनको भी यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिव्स दैट आर एडेड इन द ऑइंटमेंट, ठीक है। बेस के अलावा जो एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं ऑइंटमेंट में, दे आर एंटीऑक्सीडेंट, परमिएशन इन्हेंसर, इमल्सिफायर, ह्यूमेक्टेंट, बफर एजेंट, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स मेनली यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मेनली जो एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है इन केस ऑफ ऑइंटमेंट आर बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉयलिन, ठीक है। मेनली आपका एक फैट बेस है वूल फैट, जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो मेनली अगर आप वूल फैट को यूज करें एज अ बेस इन प्रिपेयरिंग एनी ऑइंटमेंट देन एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करना जरूरी होता है, ठीक है। परमिएशन इन्हेंसर मींस होता है स्किन आपका प्राइमरी बैरियर होता है अगर आप कोई भी डोजेस फॉर्म को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक है। तो आपका जो भी डोजेस फॉर्म है उसके पास ऐसा कोई इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो स्किन से पेनिट्रेट इजली हो सके। तो जब इंग्रेडिएंट स्किन से पेनिट्रेट हो पाएगा, स्किन में होल बना पाएगा, तभी तो जो बाकी के इंग्रेडिएंट है वो स्किन के अंदर जा पाएंगे, ठीक है। सो फॉर परमिएशन इन्हेंसर देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन द ऑइंटमेंट, फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड, ठीक है। इमल्सिफायर व्हेन देयर ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इमल्सिफिकेशन मेथड देन इमल्सिफायर एजेंट इज ऐड to increase the stability of the ointment, ठीक है। mainly जितने भी आपके emulsifying agents जो होते हैं वो surface tension को reduce करते हैं, ठीक है। उसके बाद है humectant, humectants are the agent that are used to prevent the loss of moisture from the ointment, ठीक है। क्योंकि अगर ointment से moisture हट जाएगा तो आपका ointment में cracks आ जाएंगे, preparation खराब हो जाएगी। नेक्स्ट इज द बफरिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट आर एडेड टू इंक्रीज द कंपैटिबिलिटी ऑफ द ऑइंटमेंट विद द स्किन,
to increase the drug solubility and also provide the stability to the drug. ठीक है, तो जो मेनली बफर्स एड किए जाते हैं वो है आपके सोडियम एसिटेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम मेटाफॉस्फेट. ठीक है, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं. मेनली प्रिजर्वेटिव ऐड करने का रीजन है टू प्रिवेंट दी माइक्रोबियल ग्रोथ इन दी प्रिपेशन. ठीक है, तो मेनली जो प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं इन दी केस ऑफ ऑइंटमेंट आर पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, फिनॉल, बेंजोइक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड. ठीक है, सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर एडेड अलोंग विद ड्रग एंड बेस इन केस ऑफ ऑइंटमेंट. यहां तक क्लियर हुआ बेटा? बेटा मेथड्स क्लियर हुए हैं ऑइंटमेंट्स के? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट पैकेजिंग. फॉर पैकेजिंग ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम मेनली जार्स एंड ट्यूब्स आर यूज्ड एंड डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी. ये आपकी विस्कोसिटी कैसी है, अगर मान लीजिए जैसे आपका पेस्ट है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो उनके केस में जार्स यूज करते हैं. ठीक है, क्रीम के केस में आप ट्यूब्स भी यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट के केस में आप ट्यूब यूज कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन जो कंटेनर्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, क्रीम्स एंड जेल्स कैन बी पैकेज इन ट्यूब, जार एंड पम्प, डिस्पेंसर, टॉपिकल सिरिंज एंड एप्लीकेटर्स. ठीक है, सो दी ऑल दीज प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर एंड कैप्ड इन अ कूल प्लेस. एल्यूमिनियम ट्यूब शुड बी यूज व्हेन द प्रोडक्ट हैविंग अ पीएच ऑफ लेस देन 6.5. ठीक है, तो अगर आपकी कोई ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसका पीएच 6.5 से कम होता है, इन दैट केस फॉर स्टोरिंग एल्यूमिनियम ट्यूब्स आर यूज. ठीक है, नेक्स्ट स्टोरेज एंड लेबलिंग. फॉर द स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर्स आर यूज एंड इट शुड बी कैप्ट इन अ कूल प्लेस. हाई टेम्परेचर मेल्ट बेसिस ड्यूरिंग स्टोरेज. ठीक है, तो कूल प्लेस में इसलिए रखा जाता है मेनली जितने भी ऑइंटमेंट, क्रीम या सेमी सॉलिड की जितनी भी प्रिपरेशंस हैं उनमें बेसिस को यूज किया जाता है. ठीक है, बेस उनके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है. तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो जो बेसिस होते हैं उनकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है, तो उनके स्टोरेज के लिए कूल प्लेस जरूरी होता है. ठीक है, कोलेसिबल ट्यूब शुड बी लेबल्ड एट दी टॉप. जो आपकी ट्यूब्स होती हैं उनकी जो लेबलिंग है टॉप पे होनी चाहिए है ताकि इजली आप उसे रीड कर सकें. ठीक है, ऑइंटमेंट जार शुड बी लेबल्ड विद गुड क्वालिटी एडहेसिव लेबल. जो जार्स होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा लेबलिंग के लिए एक टेप टाइप का लगा रहता है जो इजली आप मतलब अगर रिमूव करना चाहो तो रिमूव हो जाता है कंटेनर से. देखा है बेटा, जितने भी जार्स होता है उसके ऊपर एक टेप लगा होता है या एडहेसिव लेबल्स होते हैं जिनके ऊपर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मेंशन की होती है. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एडहेसिव लेबल्स. ठीक है, एंड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, ऑइंटमेंट क्लियर हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रीम. सो क्रीम आर डिफाइंड एज द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेन वन और मोर ड्रग सब्सटेंस एंड डिसॉल्व ऑन डिस्पर्स्ड इन अ सूटेबल बेस. ठीक है, तो ये क्रीम जो है ऐसी डोजेस फॉर्म है आपकी जो एक या एक से ज्यादा ड्रग लिए रहती है एंड सूटेबल बेस को यूज करके ड्रग को डिस्पर्स या डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो मेनली जो क्रीम्स होती हैं दो टाइप के इमर्शंस प्रेजेंट होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप. मेनली जितने भी आपकी क्रीम्स होती हैं उनका जो साइट ऑफ एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी टाइम तक उसका एक्शन रहता है. ठीक है, जो फीचर्स है मेनली रिलेटेड विद द क्रीम्स दे गिव्स प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट इन देयर साइट ऑफ एप्लीकेशन देन एनी अदर फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म. जो इंजर्ड एरिया है कैन बी ड्राइड क्विकली बाय क्रीम देन अदर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, नॉन इरिटेटिंग व्हेन अप्लाइड टू द स्किन एंड इजली वॉश बाय यूजिंग द वाटर, लेस ग्रीसी एज कंपेयर टू द ऑइंटमेंट, इजी टू स्प्रेड ऑन द स्किन सरफेस एंड स्टेबिलिटी इज गुड एज बट इन केस ऑफ स्टेबिलिटी इज नॉट एज गुड एज इन ऑइंटमेंट. ठीक है,
क्रीम के केस में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, ऑइंटमेंट के केस में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम कम रहता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, जितने भी आपके ऑइंटमेंट्स होता है उनमें टाइप ऑफ इमल्शंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। मेनली जितनी फॉर्मुलेशंस होती हैं उनमें टाइप ऑफ इमल्शंस नहीं होते, पर जो जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द क्रीम्स हैं दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट आर हैविंग टू टाइप ऑफ इमल्शंस। ठीक है, उनमें कोई ना कोई इमल्शन रहता है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी डोजेस फॉर्म है जिसमें इमल्शन प्रेजेंट है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, उनमें स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ लास्ट पॉइंट? जी मैम। ठीक है, फॉर दी प्रिपरेशन सेम जैसा मैंने मेंशन किया था, इन केस ऑफ ऑइंटमेंट प्रिपरेशन बाय इमल्सिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं, पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू ऑयली फेज इंग्रेडिएंट एंड एक्वस फेज इंग्रेडिएंट, एंड देन जो ऑयली फेज के इंग्रेडिएंट है बाय यूजिंग वाटर बाथ दे आर मेल्टेड एट टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मेल्टिंग पूरी हो जाती है तब एक्वस फेज को ऐड किया जाता है ऑयली फेज में विद कंटिन्यूअस स्टीरिंग। एज द टेम्परेचर ड्रॉप, कूलिंग जैसे जैसे प्रोसीड होगी, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होगी एंड फाइनली व्हेन रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा देन इट कन्वर्टेड इनटू द क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द स्टोरेज ऑफ द क्रीम्स मेनली वेल क्लोज कंटेनर्स को यूज किया जाता है एंड इट शुड बी कैप्ट इन अ कूल प्लेस विच प्रिवेंट इवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर एंड कंटामिनेशन। कोलैप्सिबल ट्यूब, जार्स, एल्यूमिनियम ट्यूब्स आर यूज्ड इन केस ऑफ क्रीम। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक है, आई थिंक, हाँ लास्ट टॉपिक है प्लास्टर्स। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर दिखाई पड़ रही है, दिख रही है? बैकग्राउंड में जो पिक्चर दिख रही है ये आप लोग जब चोट लग जाती है तो लगाते हैं, या फिर आप लोग ने देखा होगा अगर आपको कहीं स्क्रीन होता है या मसल पेन होता है तब आप कोई पैचेस टाइप के अप्लाई करते हैं स्किन की सरफेस पे। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज प्लास्टर्स। ठीक है, सो प्लास्टर्स आर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और सेल्फ एडेसिव सब्सटेंस दैट आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द मेडिकामेंट इन द वैक्सी बेसिस। क्या करते हैं, जो बेसिस होते हैं उन्हें मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद मेडिकामेंट को उसमें डिजोल्व किया जाता है। ठीक है, डिजोल्व हो जाने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर है देन इट इज अप्लाइड ऑन द सुटेबल बैकिंग मटेरियल। ठीक है, तो जनरली जो प्लास्टर्स होते हैं इनको यूज किया जाता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड ब्रिंग मेडिकेशन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस ऑफ द स्किन। ठीक है, तो जितना पास में सरफेस में रहेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा किसी भी मेडिकामेंट को रिलीज होने के लिए, उतना ज़्यादा और जितना उतना ही इफेक्टिव डोजेस फॉर्म होगा, ड्रग अपना काम कर पाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? पिछले टर्म पे एक आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस बिटवीन जेल एंड जेली। ठीक है, जेल्स एंड जेली के केस में माइनर डिफरेंस होता है। जेल के केस में क्या होता है, जो भी जेल होता है दे आर द लिक्विड फेज एंड इट इज मिक्स इन द पॉलीमेरिक मैट्रिक्स। मेनली जितने भी आपके जेल होते हैं उनमें क्या होता है, जो ड्रग होता है उसे पॉलीमेरिक मैट्रिक्स में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो रिजल्टिंग जो डोजेस फॉर्म होती है उसमें एक क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होती है, उस क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ जेलीज दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, नॉन ग्रीसी, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड कंटेन मोर वाटर देन दी जेल। जेल के केस में वाटर का परसेंटेज कम होता है, जेली के केस में वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, जनरली जो जेलीज होती हैं, जो जेल्स होते हैं वो आप स्किन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो जेलीज होती हैं दे आर यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन एंड कैरियर फॉर द स्पर्मिसाइडल एजेंट
दैट आर यूज इन टू वेजाइनल इन केस में यूज करते हैं. सेकेंड जो जेलीज होती है, आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली सुना है ना, सुना है पेट्रोल, देखा भी होगा सबने, सर्दियों में सब लोग खूब यूज करते हैं. तो जो पेट्रोलियम जेली होता है, इट इज अ टाइप ऑफ जेली. ठीक है, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म.